हेलो फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे पिज्जा पनीर मखानी। मेरे तो मुंह में ही पानी आ रहा है। और पता है, इसका बेस आटे का बना हुआ है। बहुत ही क्रिस्पी होगा और बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। पिज्जा बेस बनाने के लिए हमने 1 कप गेहूं का आटा लिया है, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर लिया है, 1/4 बेकिंग सोडा, 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच नमक। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। 1 चम्मच घी लिया है हमने, इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। अब 1/2 कप हम दही लेंगे, इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। गुनगुना पानी लेंगे, इससे हम सॉफ्ट आटा गूंथ लेंगे। हमने सॉफ्ट आटा गूंथ लिया है। अब हम इसमें घी लगा के गीले टॉवल से ढक के 30 मिनट्स का रेस्ट देंगे। अब हम पिज़्ज़ा मखानी सॉस बना लेते हैं। पैन गरम कर लेंगे, 1 चम्मच घी डाल लेंगे। घी गरम हो गया है, अब हम इसमें जीरा डाल लेंगे। जीरा को चटकने देंगे। ये देखिए, जीरा चटक गया अच्छे से। अब हम 1 कटा हुआ प्याज डाल लेंगे इसमें। इसे अच्छे से मिला के पका लेंगे। 2 कटी हुई मिर्च डाल लेंगे। अब 2 कटे हुए टमाटर डाल लेंगे, इसे भी मिला लेंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल लीजिए, इसे भी अच्छे से मिला लीजिए। हमने 10-15 लहसुन लिया है और 2 कटे हुए अदरक लिए हैं। हमने 7 से 8 काजू लिया है। अब इसमें हम गर्म पानी डाल के 5 मिनट तक ढक के पकाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं, देखिए ये भी अच्छे से पक चुका है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक ये ठंडा होता है, हम अपने पनीर क्यूब्स को भी पका लेते हैं। पैन गरम कर लीजिए, 1/2 चम्मच घी डाल लीजिए। अब इसमें लाल मिर्च 1 चम्मच डाल लीजिए, गरम मसाला 1/2 चम्मच, अमचूर पाउडर 1/2 चम्मच, काला नमक, कसूरी मेथी, धनिया पाउडर। इसे अच्छे से पका लीजिए। अब पनीर के क्यूब्स डाल लीजिए, इसे अच्छे से कोट कर दीजिए। अब हम इसमें फ्रेश क्रीम 1 चम्मच डाल लेंगे, इसे भी अच्छे से मिला लीजिए। और इसे 1 मिनट तक अच्छे से पका लीजिए। ये पक चुका है, ये देखिए। पिज्जा सॉस भी अच्छे से ठंडा हो चुका। अब हम इसे ग्राइंडर में डाल के एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। फाइन पेस्ट बन चुका है, अब चलिए इसे हम पका लेते हैं। पैन गरम कर लीजिए, 1 चम्मच घी डाल लीजिए। घी को गरम कर लीजिए। अब ग्रेवी को इसमें डाल के अच्छे से हम पका लेंगे। इसे 1 मिनट तक अच्छे से पका लीजिए। फिर लाल मिर्च पाउडर डाल लीजिए, कसूरी मेथी डाल लीजिए, गरम मसाला डाल लीजिए और इसे अच्छे से पका लीजिए। इसे ढककर 1 मिनट तक पका लीजिए। 1 मिनट हो गया, अब हम इसमें फ्रेश क्रीम डालेंगे 1 चम्मच। इसे मिला लीजिए अच्छे से। ये मिल गया, इसे थोड़ी देर तक और पका लेंगे। ये पक चुका है, अब इसे रूम टेम्परेचर में ठंडा होने देंगे। तब तक हम अपना पिज्जा बेस भी बना लेते हैं। ये अच्छे से फूल चुका है, अब इसे 2 सेक्शन में हम डिवाइड कर लेंगे। अच्छे से रोल करके रोलिंग बोर्ड पे आटा स्प्रिंकल कर लीजिए और इस पे भी दोनों ओर से आटा स्प्रिंकल कर लीजिए।
अब इससे हम थोड़ा मोटा ही बेलेंगे और अपने पैन के अकॉर्डिंग बेलेंगे। ये थोड़ा छोटा है, हम इसे थोड़ा और बड़ा बेल लेते हैं। ये देखिए पैन के इक्वल हो गया है। अब हम काटा चम्मच लेंगे और हर जगह इसे छेद कर देंगे ताकि हमारा पिज्जा बेस फूले नहीं। अब हम पैन गरम करेंगे और अपने बेस को पका लेंगे। ये देखिए एक साइड से ही अच्छे से पक चुका है, लेकिन हम दूसरे साइड हल्का कच्चा ही रखेंगे इस तरीके का। अब चलिए हम टॉपिंग्स लगाते हैं। ये देखिए ये जो जला हुआ साइड है इसे हम ऊपर रखेंगे और जो कच्चा है उसे हम नीचे रखेंगे। अब हम पिज्जा सॉस लगा लेंगे इस पे। चारों तरफ अच्छे से लगा लीजिए। मोज़रेला चीज स्प्रेड कर लीजिए। अब प्याज डाल लीजिए, शिमला मिर्च डाल लीजिए, टमाटर डाल लीजिए और चीज डाल लीजिए। चीज तो आपको जितना पसंद है उतना डाल लीजिए। अब क्यूब्स भी डाल लीजिए पनीर के और चीज डाल लीजिए, लोड्स ऑफ चीज। साइड साइड से भी डाल लीजिए अच्छे से। अब ये पैन में जाने के लिए तैयार है। पैन को गरम कर लीजिए और इसमें एक चम्मच घी डाल लीजिए। चारों तरफ से घी को अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए। अब फ्लेम को एकदम लो में रखेंगे और बेस को इसके ऊपर रख के ढक के इसे करीब 5 मिनट तक पकने देंगे, जब तक कि चीज़ मेल्ट ना हो जाए। 5 मिनट हो गए हैं। अब हम एक बार चेक कर लेंगे, हमारा चीज़ मेल्ट हो गया है और पिज़्ज़ा अच्छे से पक चुका है। चलिए हम इसे खाते हैं। यम्मी यम्मी। अब हम इसमें ओरिगैनो डाल लेंगे और इसे स्लाइसेस में काट लेंगे। पिज्जा तो मेरा फेवरेट है। ये देखिए, वाओ। तो गाइस इम्तिहान की घड़ी आ गई है। देखने में तो कोई जवाब नहीं इसका, बिल्कुल डोमिनोज के टक्कर का। और अब हम इस पे आक्रमण करेंगे। वाओ यार, जो इसका क्रस्ट है वो तो बहुत ही यूनिक है। ऐसा क्रस्ट खाने को नहीं मिलता है क्योंकि इसमें क्रिस्पीनेस भी आ रही है। ये सॉस भी बहुत अच्छा लग रहा है। इतने सारे फ्लेवर मिक्स होके आ रहे हैं इसमें। मैं भी खाऊंगी। बहुत अच्छा है यार। यम्मी यम्मी। दिस इज द बेस्ट पिज्जा एवर। तो गाइज इसी के साथ वीडियो वाइंड अप करते हैं। अगले वीडियो में फिर कुछ नया ट्राई करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और गाइस हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।